आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लोटिंग विंडो के बारे में, जो कि MIUI 12 पे हमें देखने को मिल जाता है। और वही फ्लोटिंग विंडो उस तरीके से जो है आप कस्टम रोम पे नहीं कर पाते, लेकिन करना कैसे है वो चीज़ें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। करीब आप 5 से 6 आराम से जो है यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो को यूज़ कर पाएंगे। मल्टीपल आप जैसे कि यूज़ करते हो काफ़ी सारे एप्लीकेशन को, तो इस तरीके से जो है फ्लोटिंग विंडो आप यूज़ कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे करीब मैं 4 जो है यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी पूरी सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ये वर्किंग है, और कौन कौन से सेटिंग्स इसके अंदर मिलती है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, और कैसे आपको इसे यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, क्या कोई मेथड है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और ये सभी कस्टम रोम्स पर आप जो है आराम से इसको कर पाओगे, बस मेथड जो है सेम रहने वाला है। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ जो है हमें करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। था तो इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रूट की, तो आप अपने डिवाइस को रूट कर लेना, तभी जो है आप कर पाओगे इसको। तो रूट करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक फ़ाइल भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रखना है, जो कि APK है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लेना, इसको भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मैजिक मैनेजर के अंदर आपको चलना और आपका डाटा जो है ऑन होना चाहिए, डाटा ऑन कर लेना। उसके बाद आप जहां मॉड्यूल सेलेक्ट करते हो उसमें जाना है, और वहां पे आपको मॉड्यूल सर्च करना है, जो कि ऑनलाइन सर्च हो गई है। तो यहां पे आपको सर्च करना है RIRU, तो सिंपली आपको यहां पे रीरू सर्च कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप सर्च करोगे यहाँ पे, और इनमें से कौन कौन से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीरू सर्च करना है तो फर्स्ट तो आपको रीरू मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ रीरू लिखा है, तो इसको आपको करना है। सेकंड कौन सा होगा, तो सेकंड आप अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है रीरू SUI मिल जाएगा, और ये जो है ऊपर नीचे थोड़ा इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, तो आप कर लेना। नेम आपको बता दिया, दोनों जो है इस नेम से ही मिलेंगे, एक रीरू है, एक रीरू SUI। तो सिंपली यहाँ पे करना है इसके डाउनलोड सिंबल पे और इंस्टॉल कर देना। डाटा आप ऑन रखना, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर के ये जो है इंस्टॉल भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फर्स्ट वाला हमारा जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो अभी रिबूट नहीं करना, बैक कर देना सिंपली। सेकंड वाले को भी हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है रिबूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे हमें आना है, और यहाँ पर जो है सेकंड वाले को भी कर लेना है सिंपली, SUI वाले को, रीरू SUI, इसको भी सिंपली इस तरीके से कुछ इंस्टॉल करना है। ये भी डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है सिंपली इसे रिबूट कर देना अपने डिवाइस को। तो यहाँ से हम जो है इसे रिबूट कर देंगे, और रिबूट करने के बाद जब आपका फ़ोन ऑन हो जाए, तो उसके बाद आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले एक दिखा देता हूँ कि ये जो मॉड्यूल हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि APK जो हमारे पास है उसको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे जो है हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, अगर परमिशन जो भी मांगेगा परमिशन आपको दे देनी है। इसे जो है हम यहाँ पे मीटर विंडो नाम से आपको मिल जाता है ये एप्लीकेशन, इसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल होते ही इसे ओपन करना, और यहाँ पर जो है आपको परमिशन सबसे पहले दे देनी है यहाँ पे, और यहाँ पर सो ओल्ड द टाइम इस तरीके से मिल जाता है, तो इसको भी परमिशन दे देना है। तो ऊपर आपका यहाँ पे जो है SUI मोड जो है स्टार्ट हो चुका है, नीचे बाकी यहाँ टेलीग्राम ग्रुप के ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे मीटर विंडो के अंदर चलना है, और यहाँ पे हाइड फ्रॉम रीसेंट टास्क आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप जो है यहाँ पे इसके अगर आप टोगल को चाहते हो तो टोगल आपको मिल जाएगा, जो कि आपके स्टेटस बार पे देखने को मिलेगा। स्टेटस बार पे भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको आपके एडिट में जाना पड़ेगा, और लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्मॉल विंडो आप देख सकते हो, लास्ट में हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपके भी लास्ट में मिलेगा। तो किसी किसी कस्टम रोम SP रोम में क्या होता है कि टैप करने पर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, किसी में ड्रैग करना पड़ता है। फिलहाल मेरे में जो है यहाँ पर टैप करने पर हो रहा है, मैं यहाँ पर टैप करके कर ले रहा हूँ। अगर आप में ड्रैग होता है तो ड्रैग करके आप ऊपर लेके आ जाना इसको, और उसके बाद इस पर क्लिक करना, और यहां पे आपको परमिशन देना है सिंपली। तो इसे भी जो है हम यहां पे मीटर विंडो पे जाएंगे, और नॉट अलाउ है ये भी, ये हमें यहां पे अलाउ कर देना। तो सिंपली इसे जो है परमिशन दे देना है, और ये जो है परमिशन होते ही साइड में आप देखोगे तो यहां पे मिल जाएगा, और 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो इसका भी परमिशन आपको दे देना है यहां पे। तो ये है सभी एप्लीकेशन शो करने के लिए हम परमिशन यहाँ पे दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पर टैप करोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलना इसके एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन में जा करके यहाँ पे सेलेक्ट स्मॉल विंडो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको क्लिक करना, और यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, सबको इनेबल करना है। तो एक एक करके कितना इनेबल करोगे, इसलिए सब सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल आपको कर देना है, सभी के सभी जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, इनेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाओगे अपने फ्लोटिंग विंडो पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सभी एप्लीकेशन आ गया, और सभी एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो पे यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे जो है ऐप ड्रॉयर टाइप से भी आप देख सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके इसके, ये चीज़ आपका हो गया। अब हम इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती है। तो सबसे पहली सेटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को जो मिलती है स्मॉल विंडो सेटिंग्स हैं।
तो इसका क्या है, यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे चूज मैक्सिमाइज मोड मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप यूज टॉप राइट बॉटम करते हैं, बटन करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो इससे क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा अभी फिलहाल इनेबल है, डिफॉल्ट जो इनेबल है उसी पे मैं आपको दिखा दूँ कोई यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करके। तो ऊपर अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोनों साइड नीचे एक लाइन जो कि बार हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है ऊपर एंड नीचे, उन्हीं पे आपको टैप करके इसे कंट्रोल करना है। स्क्रीन पे कहीं भी टैप करके इधर उधर ड्रैग करोगे ड्रैग नहीं होगा। नीचे अगर आपको जो ये ऑप्शन मिला इसको आप स्वाइप अप करोगे तो ये आपका जो है बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। डाउन को अगर करोगे तो जो है फुल स्क्रीन पर हो जाएगा, और ऊपर वाले से ड्रैग आप इधर उधर कर सकते हो। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे, सिर्फ दो ऑप्शन इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है और अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, साइड में आप ले जाओगे बिल्कुल राइट साइड ऊपर या फिर लेफ्ट साइड, तो ये जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है, उस पर टैप करने पे वापस ये बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके जो है मिनिमाइज आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसके और ऑप्शन अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे जो है फिलहाल हम इसको इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन हमें दिया गया है काफ़ी सारे, तो हम यहाँ पे इसे इनेबल करेंगे सो ऑल। तो सो ऑल पे क्या होता है कि सो ऑल पे अब मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है, आपको खुद ही यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ करके। तो जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन किया तो अब हमें यहाँ पे जो है मैक्सिमाइज का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि बिल्कुल फुल स्क्रीन कर देगा इसको, और साथ साथ यहाँ पे क्लोज का भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ड्रैग करके या फिर ऐसे स्वाइप करके नहीं करना चाहते तो आपका एक छोटा छोटा बटन भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से जा फुल स्क्रीन कर सकते हो, साथ साथ क्लोज भी कर पाओगे। तो इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा देखने में भी ये चीज़ जो है अच्छा लगता है, तो ये आप इनेबल कर पाओगे यहाँ से। तो आप ये चीज़ समझ गए कि किस तरीके से काम करता है यहाँ पे चूज मैक्सिमाइज मोड वाला। तो इस तरीके से आप जो है इसे क्लोज करने की बटन जो है टोगल आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाता, फिलहाल मैं यहाँ पे सो ऑल ही करता हूँ, सो ऑल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वाइप करना चाहो कर सकते हैं, फिर टैप करके भी क्लोज कर सकते हो, और देखने में भी विंडो टाइप से लगता है जो कि। और यहाँ पे साइज़ के लिए दिया गया, हालांकि साइज़ वाला जो यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये जो है सभी में सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ जो है आप इसको इग्नोर करें साइज़ वाला फिलहाल। और ऊपर रिस्टोर मिल जाता है स्मॉल विंडो जो कि डिफ़ॉल्ट साइज़ हो जाएगा उससे, तो फिलहाल जिसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो उसमें काम नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। और रिसेप्शन वाले से क्या होता है कि इसको अगर आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर ही आप टैप करके सभी एप्लीकेशन जो है इनेबल कर पाओगे, यहीं स्टेटस बार पे ही टैप करके डायरेक्ट ये आपको मिल जाता है। नीचे हमें मिल जाता है सब्सेप्शन जो कि, तो यहाँ पे जो सब्सेप्शन बटन जो दिया गया है इससे क्या होता है कि फ्लोटिंग आपको एक बटन देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। अब इस पर टैप करोगे तो आपका जो है सभी एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो ये वाला थोड़ा सा इजी लगता है। यहाँ पे आपको टॉगल्स पे जाकर के टैप करने से अच्छा ये वाला आप इनेबल कर लो, ये जो है ज़्यादा अच्छा भी है। यहाँ पे आप साइज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा बड़ा है तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको साइज़ के लिए भी दिया गया है कि इसकी सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको जहाँ भी रखना आप रख सकते हो। साथ साथ इसका जो बटन साइज़ है इसको भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो काफ़ी छोटा आप करना चाहो कर सकते हो। साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है काफ़ी कम आप कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल हाइट सा हो जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पे कर पाओगे। नीचे आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रीन, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे रहोगे तभी जो है ये आपको टॉगल देखने को मिलेगा जो इसका बटन है फ्लोटिंग वाला, तो तभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ भी अभी प्रॉपर काम नहीं करता क्योंकि अभी फिलहाल ये जो है बीटा पे है, तभी ये जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल कर दिया तो ये आप देखने को मिल रहा है, लेकिन हम पर्टिकुलर स्क्रीन पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सीधा एंड करने पे जो है यहाँ पे फिलहाल ये गायब हो जाए, लेकिन हम लैंडस्केप पे करते हैं तो वापस जो है ये नहीं देखने को मिलता, इनेबल डिसेबल करेंगे तभी जो है ये शो करता है। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताएं प्रॉपर तरीके से ये जो है काम नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, लेकिन आप इस तरीके से फ्लोटिंग बटन भी यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो ये सभी ऑप्शंस हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे वही नोटिफिकेशन का नोटिस दिया गया है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन सो यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप परमिशन दे सकते हो कि जैसे कि कोई एप्लीकेशन आप फ्लोटिंग विंडो पे यूज़ कर रहे हो तो उसका आप एक नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ओवरलैप आपके स्क्रीन पे मतलब एक हो रहा है तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे भी आप इसे भी कर सकते हो उसके नोटिस को जो कि नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का मिलेगा। ये पूरी की पूरी यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है जो कि आप यहाँ पे समझ गए हो कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर भी रहता है कि बार बार स्टेटस बार पे जाने पे जो है दिक्कत भी रहती है, ऐसे आप यहाँ पे आराम से डायरेक्ट बटन के थ्रू जो है इनेबल कर पाएंगे। एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे एक से दो ही एप्लीकेशन आपके ओपन हो जाएंगे अगर आप अनसपोर्टेड जो कि सपोर्ट नहीं करते एप्लीकेशन उनको अगर आप ओपन करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है जिनको ओपन करोगे तो जो है यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर आप जो जो एप्लीकेशन इसके अंदर सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर सपोर्ट ही कर जाते हैं, कुछ ही एप्लीकेशन है जो कि आपके सपोर्ट ना करेंगे, शायद तक आपको जो है स्टॉप बता देंगे, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंस टाइप से देखने को मिलेगा, क्लियर बिल्कुल नहीं रहेगा, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशन आपके काम कर जाता है और आप यहाँ पे 5-6 आराम से यूज़ करो यहाँ पे जो है हो जाता है। तो ज़्यादा वैसे यूज़ मत करना, 3-4 आराम से आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पे,
अच्छे तरीके से काम भी कर जाता है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, एक बिल्कुल ये हाइड हो चुका है, जो कि कुछ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनमें प्रॉब्लम आती है कभी कभार। तो बाकी दूसरे आप जो है आराम से यूज़ कर पाओगे, इनमें दिक्कत नहीं होगी, आप जो है यूज़ कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बताना था। और इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो जो है आप यूज़ कर पाओगे कस्टम रोम के अंदर, MIUI का फ्लोटिंग विंडो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।